नेहरू ने वो फेंक दिया टोकरी में, कहा मैंने कहा था जब तक शेख अब्दुल्ला के हाथ नहीं भेजोगे नहीं मानेंगे। लूट मार मच रही थी, मार काट मच रही थी कश्मीर में, क्यों नहीं करोगे? क्योंकि कश्मीर एक विदेशी भूमि है और भारत की सेनाएं भारत की रक्षा के लिए। तो महाराजा ने अब की बार विलय का प्रस्ताव 26 अक्टूबर को लॉर्ड माउंटबेटन के पास भेजा। एक कारण यह था क्योंकि तत्कालीन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में माउंटबेटन के पास रक्षा और विदेश ये दो विभाग थे और बाकी सब विभाग अंतरिम सरकार नेहरू जी के पास थे। हमारी सेनाओं के मुखिया भी अंग्रेज थे उस वक्त, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयरफोर्स, ब्रिटिश एयरफोर्स चीफ सब अंग्रेज थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन वाज लीडिंग। उन्होंने सोचा होगा कि देखिए साहब, सेना माउंटबेटन के हाथ में है और क्योंकि मैं विदेश करार दिया गया हूं तो वो मंत्रालय भी उनके हाथ में। लेकिन मेरे ख्याल उससे भी बड़ा कारण ये रहा होगा कि महाराजा हरि सिंह और लॉर्ड माउंटबेटन स्टाफ कॉलेज लंदन में एक साथ पढ़े थे और ये डेस्परेट टाइम था कश्मीर के लिए। वो आखिरी दांव कि किसी तरह कश्मीर को भारत की मदद मिले, उसके लिए उन्होंने विलय प्रस्ताव माउंटबेटन के पास भेजा था और अपने एडीसी को कहा था अगर ये प्रस्ताव भी अस्वीकार हो जाता है तो मुझे नींद में मेरे बिस्तर में गोली मार देना, आई डोंट वांट टू वेक अप। ऐसा देशभक्त था महाराजा हरि सिंह। लेकिन इस विषय में जब यह प्रस्ताव दिल्ली आता है तो एक बड़ा रोचक इंटरव्यू है, वो पुस्तक है प्रेम शंकर झा द्वारा लिखी गई है, उसका शीर्षक है राइवल वर्जन्स ऑफ हिस्ट्री। इसमें प्रेम शंकर झा फील्ड मार्शल मानेकशॉ का इंटरव्यू करते हैं और मानेकशॉ से इंटरव्यू में पता चलता है कि ये वो फील्ड मार्शल मानेकशॉ हैं जो तब लेफ्टिनेंट कर्नल मानेकशॉ थे। और ये बता रहे हैं प्रेम शंकर झा जी को कि वो उस कमरे में जब लॉर्ड माउंटबेटन के पास प्रस्ताव है, उन्होंने बैठक बुलाई है जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, गृह मंत्री उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल, रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह, इन तीनों को लॉर्ड माउंटबेटन ने बुलाया है और जनरल हेडक्वार्टर्स आर्मी से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल मानेकशॉ जो उस कमरे में है। और जो अब बता रहे हैं प्रेम शंकर झा को कि क्या हुआ, तो कहते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रधानमंत्री नेहरू से पूछा, हियर इज प्रपोजल टू अनकंडीशनली एक्सीड टू इंडिया फ्रॉम महाराजा ऑन जस्ट वन कंडीशन, दैट प्लीज हेल्प अस विद योर आर्मी, व्हाट डू यू हैव टू से। इसके जवाब में अकॉर्डिंग टू लेफ्टिनेंट कर्नल मानेकशॉ इन दैट बुक अकॉर्डिंग टू प्रेम शंकर झा, नेहरू looks at the ceiling and starts into a speech. He says, the world has just emerged from the Second World War. He says, we have China on one side. We have now United Nations to save the world from the tragedies of war. We have just emerged as a newly independent country. We have responsibilities for world peace. This Sardar Patel ji se aur dhairya nahi rakha gaya. To shayad अंग्रेजी में नहीं बोलना चाहते थे माउंटबेटन के सामने प्रधानमंत्री की किरकिरी ना हो, तो उन्होंने हिंदी में ऐसा लेफ्टिनेंट कर्नल मानेकशॉ से सरदार पटेल ने, वो 14 साल बड़े थे नेहरू से, he had decided to be his deputy in the government in order to honor the wishes of Mahatma Gandhi. He was in first name terms with पंडित नेहरू। तो उन्होंने झल्ला के उनसे पूछा, जवाहर तुम्हें कश्मीर चाहिए कि नहीं? And suddenly Pandit Nehru breaks out of the trance and he says, हाँ, क्यों नहीं चाहिए? At which, at exactly that point, Sardar Patel turns to Lieutenant Colonel Manekshaw and says, you've got your orders from the Prime Minister, now go mobilize the army and defend Kashmir. ये आप इस पुस्तक में पढ़ सकते हैं। And it is delightful. ये क्षण हुए, ऐसे बनाया ये देश साहब। इन मोमेंट्स में, ऐसे क्रिटिकल मोमेंट्स में कैसे कैसे डिसीजंस हुए हैं, कैसे बाल बाल बचे हैं।
तो सर 27 अक्टूबर को पौ फटते ही पहला जहाज डकोडा उड़ता है, 1 सिख और 11 कमांड लेकर के। एयरपोर्ट घिर चुका है, कश्मीर के साथ हमारा कोई रोड लिंक नहीं है। अगर एयरपोर्ट का लिंक भी नहीं बचता तो कश्मीर का भूगोल आज क्या होता भगवान जानता है। वो पहली कुमुक उतरती है, कूदते ही जहाजों से मोर्चे लेती है, फायरिंग शुरू होती है, एयरपोर्ट को बचाती है। पहला भारत का, आजाद भारत का परमवीर चक्र जीता जाता है मेजर सोमनाथ शर्मा द्वारा। खेत रहते हैं पश्चिमी, उनका स्मारक है पीके एयरपोर्ट के बाहर, कभी आप जाएं तो उसको जरूर प्रणाम कीजिएगा। उनकी बदौलत आप जाते हैं कश्मीर। और उसके बाद हर रोज दर्जनों फ्लाइट्स आती हैं, उतरती हैं, सेनाओं को लेके लौट जाती हैं। पक्की नहीं थी हवाई पट्टी, उसमें धूल, क्योंकि जहाज टेक ऑफ कर रहे थे, लैंड कर रहे थे, रेत बन गई थी वो, उसकी पिसाई कुटाई हो होकर उस पर मस्क से पानी छिड़का जाता था उसको फोल्ड करने के लिए, ताकि और फ्लाइट्स लैंड कर सकें। हफ्तों तक सुबह से शाम तक फ्लाइट्स आती थी, ट्रूप्स लैंड करते थे, जाते थे। युद्ध शुरू हुआ तो अब लगा कि साहब भारतीय सेना को कि ये लोग तो कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं, और ये सिर्फ कबायली नहीं है, इनमें से तो वो लोग हैं जो कुछ समय पहले तक हमारे साथ हमारी सेना में थे, क्योंकि सेना तो वही बटी थी ना। 15 अगस्त को मुस्लिम सैनिक पाकिस्तान की सेना चले गए थे, बचे हुए भारत की सेना में थे। तो जब उन्होंने भारत सरकार को कहा कि ये तो पाकिस्तान के सैनिक हैं, तो भारत सरकार ने सबूत मांगा, दिया। उन्होंने जाके यूएन में दावा ठोका कि साहब ये तो हम पर एग्रेशन हुआ है, यूनाइटेड नेशन को इंटरवीन करना चाहिए। यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान मुकर गया, कौन सा हमला, कौन सा, आपसे मुसलमान नहीं संभल रहे, आप उनको जबरदस्ती भारत में विलय करा रहे हो, तो इसलिए विद्रोह हुआ है, हम थोड़े ही हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कमीशन गठित किया जिसका नाम था सर ओवन डिक्सन कमीशन। ये जज थे, ये ऑस्ट्रेलियन जज थे, यूनाइटेड नेशन की तरफ से नियुक्त हुए। भारत आकर के उनको सबूत दिखाए गए, तो वो इन सबूतों को लेकर पाकिस्तान गए। पाकिस्तान ने सब कुछ आते हुए कहा, हाँ हमारे हैं कुछ सैनिक, वो शायद पाकिस्तान से देख रहे होंगे कि उनके मुस्लिम भाइयों पर कितना अत्याचार हो गया कश्मीर में, तो चले गए होंगे, हम नहीं रोक पाए, तो क्या करें, हैं कुछ पाकिस्तानी सैनिक। पाकिस्तान कबूल गया कि उनकी सेना वहां है। अब भारतीय सेना ने कहा, चलिए पाकिस्तान कबूल गया है, ये युद्ध आसानी से जीता नहीं जा सकता, क्योंकि इनकी सेना और इनके कबायली एक एक कस्बे में, एक एक पंचायत में, एक एक शहर में, एक एक मोहल्ले में। इनसे लड़ना आसान तभी होगा जब आप इनकी सप्लाई लाइंस को तोड़ेंगे, इनके कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर को ध्वस्त करेंगे, उसकी इजाजत दी जाए। नेहरू जी ने कहा, खबरदार, एक भी गोली सीमा के पार गई। भाई क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक औपचारिक युद्ध की घोषणा नहीं की और इसकी परमिशन भी नहीं मिली। तो ये युद्ध सवा साल चला, 27 अक्टूबर 1947 से लेकर 31 दिसंबर 1948 को। 1 जनवरी को पंडित नेहरू ने यूनिलैटरल मर्जी से अपनी युद्ध विराम की घोषणा कर दी। भारत की सेना हाथ जोड़ती रह गई कि अभी हमने केवल 60% कश्मीर को मुक्त कराया है, कुछ हफ्ते और दीजिए। नहीं साहब, अब हम बाकी का कश्मीर यूएन से जाके लेंगे। पाकिस्तानी सैनिकों को विश्वास नहीं हुआ कि हम भाग रहे हैं जान बचा के, और हमको तश्तरी में रख के 40% कश्मीर सौंप दिया गया। ऐसी स्थिति में अब भारत में क्या हो रहा है? कश्मीर में तो प्रधानमंत्री बनवा दिया नेहरू शेख को। वो जो प्रस्ताव लेके आए थे, जिसकी चर्चा माउंटबेटन के विषय में मैंने उस बुक में प्रेमशंकर झा के विषय में बताई, उस प्रस्ताव को महाराजा हरि सिंह ने फिर इवेंचुअली शेख अब्दुल्ला के हाथ ही भेजा नेहरू के पास, अपनी रानी को भी साथ भेजा। एक एंटी रूम में रानी थी, एक एंटी रूम में शेख अब्दुल्ला थे, और उस मेन रूम में ये वार्तालाप चल रहा था। वापस गए, शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री बनाया गया। शेख अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री बनते वक्त अपनी शपथ ली और कहा, मैं राजा के प्रति विश्वास पात्र रहूंगा। पहला काम उसने ये किया, राजा को कश्मीर से देश निकाला दिया, नेहरू की मर्जी से दिया। अब आप विडंबना देखिए, निजाम हैदराबाद
जो कभी पाकिस्तान जाना चाहता था, कभी स्वतंत्र राज्य चाहता था, जिसने अपनी सेना भेड़ियों की तरह निहत्थी हिंदू प्रजा पर छोड़ दी थी, लाखों का कत्लेआम किया था, और मजबूरी में दबाव में आकर, क्योंकि भारतीय सेना ने उसके दांत खट्टे कर दिए थे, उसने भारत के साथ विलय मंजूर किया, तो उसको भारत ने वहां का राज प्रमुख बनाया, जो गवर्नर इक्विवेलेंट है। और कश्मीर का महाराजा हाथ जोड़कर विलय के लिए याचना करता रहा, उसको देश निकाला दिया, वो जीते जी फिर कभी कश्मीर नहीं जा पाया। मुंबई में उसका अंतिम संस्कार 1968 में हुआ, और उसके बेटे को उससे द्वेष कराकर राजा करण सिंह 18 वर्ष के थे, रीजेंट घोषित किया गया। तो अब ये शेख अब्दुल कश्मीर का प्रधानमंत्री है, देश में पंडित नेहरू प्रधानमंत्री हैं, यूएन में झगड़ा चल रहा है, तो पंडित नेहरू कहते थे आपसे बेहतर प्रतिनिधि कौन होगा कश्मीर के विषय में भारत का पक्ष रखने यूएन जाने के लिए। तो शेख अब्दुल्ला यूएन जाते थे, एक दो दिन में नहीं लौटना, वहां तो हफ्तों हफ्तों 10-10 दिन की कार्रवाई होती थी। ऐसे में वहां पर अंग्रेज ने शेख अब्दुल्ला को समझाना पटाना शुरू किया। शेख अब्दुल्ला की शादी एक अंग्रेज मेन से हुई थी इंसिडेंट, उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला की शादी भी एक अंग्रेज मेन से हुई। तो फारूक अब्दुल्ला आधे अंग्रेज थे, तो उस हिसाब से उमर अब्दुल्ला 3/4 अंग्रेज है। दिस इज आई डोंट बी प्रेजुडिस्ड ऑन दिस तो उन्हें पट्टी पढ़ाई गई कि साहब आप भारत में क्या कर रहे हो, अभी वो विलय की प्रक्रिया शुरू हुई है, खबरदार ये मत करना वो मत करना। तो वो भारत आए, भारत आकर के नेहरू से अनाप शनाप मांगे करने लगे, और नेहरू देते गए। चुनाव हुए, उन्होंने उन चुनावों में सारे विपक्ष के नामांकन खारिज कर दिए, 75 की 75 सीट्स अपनी भरवा ली कश्मीर। और तब जहां जहां चुनाव हुए थे विधानसभा के, वो संविधान सभा मानी गई हर राज्य की, और उस संविधान सभा को भारत के संविधान में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए अपने संविधान बनाने के अधिकार को छोड़ना था। लेकिन कश्मीर में शेख अब्दुल्ला कहते हैं थैंक यू सो मच। कश्मीर में शेख अब्दुल्ला ने संविधान सभा में अपने पहले भाषण में कहा, दैट ऑक्सीमोरॉन विच यू हर्ड एट द वेरी बिगिनिंग, कश्मीर विल बी एन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। दुनिया में पॉलिटिकल साइंस के इतिहास में ऐसी अवधारणा कभी नहीं सुनी गई थी। प्रेस ने छापा, नेहरू ने बुलाया, कहा भाई क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा वी वांट ऑटोनॉमी। ठीक है, मतलब व्हाट डज दैट मीन? वी वांट आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। व्हाट एल्स? वी वांट आवर सेपरेट फ्लैग। चलिए ठीक है, आपका सेपरेट फ्लैग होगा। कहते हैं महाराजा हैड अपॉइंटेड मी एज प्राइम मिनिस्टर, इन योर सिस्टम दोज हु गवर्न प्रोविंसेस आर कॉल्ड चीफ मिनिस्टर, हाउ विल यू डिमोट मी? नेहरू जी ने कहा नहीं, आप प्रधानमंत्री रहेंगे। तो इस देश में दो प्रधानमंत्री। एक चीज उन्होंने और मांगी, उस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा इतना भयावह था, भाई भाई से बिछड़ गया था, माँ बाप बच्चों से बिछड़ गए थे, लोग मारे मारे एक दूसरे को ढूंढते फिर रहे थे, पता नहीं था मर भी गए हैं क्या जीवित हैं, कुछ लोग जो पलायन कर गए थे उनको लगता था गलती की वापस जाना चाहते थे, जो लोग नहीं पलायन कर पाए थे वो सोचते थे अब पलायन करना चाहिए। तो ऐसे में लियाकत अली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और भारत के पंडित नेहरू के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग बनी कि हम सीमा पर पासपोर्ट वीजा का रिजीम नहीं रखेंगे, या बड़ा अमानवीय होगा, लोगों को आने जाने दिया जाए, थोड़ी खुली छूट दी जाए, लेट थिंग्स सेटल डाउन। ऐसे